So, अभी का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइलो टैक्सी। So, मैं एक हेडिंग लगा देता हूं पहले, फाइलो टैक्सी। ये फाइलो टैक्सी क्या है? फाइलो टैक्सी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ द लीव। फाइलो टैक्सी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ लीव। अच्छा, लीव का भी अरेंजमेंट होते हैं। यस, अगर आप गौर से लीव को देखो, पत्तों को देखो, तो उसमें डिफरेंट काइंड का अरेंजमेंट होते हैं। किस टाइप के अरेंजमेंट होते हैं? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अरेंजमेंट किस टाइप की होते हैं। हेलो, लेट अस अंडरस्टैंड अरेंजमेंट किस टाइप की होते हैं। सो पहला अरेंजमेंट जो होते हैं उसको कहते हैं ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होते हैं। ऑल्टरनेट को और एक नाम से पुकारा जाता है, एसाइक्लिक और स्पाइरल। ये एसाइक्लिक और स्पाइरल टाइप की अरेंजमेंट होते हैं। अलग अलग करके देखेंगे एक्चुअली इसकी पिक्चर को। सपोज अगर ये एक स्टेम अगर आप मान लो, तो इसकी ऑल्टरनेट टाइप की अरेंजमेंट होगी। ये लीफ एक यहाँ पर ही, ये लीफ एक यहाँ पर ही। ये ऑल्टरनेट टाइप का अरेंजमेंट है। इसी अरेंजमेंट में एक स्पाइरल टाइप की अरेंजमेंट भी होते हैं, यानी कि लीफ जो है इस टाइप के अरेंज होते हैं। ये मैं तो आपकी ये वे दिखा रहा हूँ, वे दिखा रहा हूँ। इसका सही से डिजाइन करना तो थोड़ा सा मुश्किल है। आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो आपको ये स्पाइरल टाइप के अरेंजमेंट दिखेगा। अब यहां से देखो, इसका एक लीफ यहां से ये अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है, और दूसरा लीफ जो है इस टाइप का अरेंजमेंट होगा। यानी कि मान के चलो ये इस जगह पे इस टाइप के एक अरेंजमेंट हुआ है। नीचे ऊपर को देखो, इस जगह पे और यहाँ पर ही एक लीफ की अरेंजमेंट हुआ है। सो अगर आप इसकी इमेजिन कर पाओ, एक लीफ इस तरह से अरेंजमेंट हुआ है और नीचे का एक लीफ जो है इस तरह से अरेंजमेंट हुआ है, जस्ट ऑपोजिट। ये देखने में इस तरह का लगेगा, ठीक है। ये एक स्टेम में, स्टेम के अंदर, ये स्टेम के अंदर इस तरह का एक लीफ है और नीचे का जो लीफ है वो बिल्कुल इस तरह का है, जस्ट इसके ऑपोजिट में। ये भी एक टाइप की ऑल्टरनेट ही है, लेकिन ये स्पाइरल टाइप का अरेंजमेंट है। ये हो गया ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट में अरेंजमेंट। अब इनमें ऑल्टरनेट में, स्पाइरल में एक और टाइप की अरेंजमेंट आते हैं ऑल्टरनेट में, जैसे इस टाइप की अरेंजमेंट भी होगा। ये तो मैंने एसाइक्लिक बता रहा था, एसाइक्लिक। ये एक लीफ आया, ये यहां से एक लीफ आया, ये ओरिजिनली ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट आपकी ऑफ द लीव्स है। पत्ता को आप देखो ओरिजिनली, ये जो सारे हैं ये वन टाइप ऑफ एसाइक्लिक हो रहा है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, सिर्फ मैं रख रहा हूँ आपकी स्पाइरल को। मैं समझाने की कोशिश किया था, तो स्पाइरल को मैं बताता हूँ। इसी में आपका स्पाइरल अरेंजमेंट आ जाएगा। अगर स्पाइरल अरेंजमेंट आ गया तो आप समझ लो इसकी जस्ट ऑपोजिट में एक लीफ इस तरह से निकलेगा, ऑपोजिट में एक लीफ इस तरह से निकलेगा, और यहां से ऑपोजिट में एक लीफ इस तरह से निकलेगा। ये एग्जैक्टली यहाँ नहीं है, मैंने एक अगर स्क्वायर को मान लो तो स्क्वायर का एक दूसरी तरफ एक और लीव है, ठीक है। तो इस टाइप की ऑल्टरनेट लीव या एसाइक्लिक और ये स्पाइरल, एक टाइप का ये है इसका। इसकी एग्जाम्पल आपके पास होंगे मस्टर्ड और सनफ्लावर प्लांट। मस्टर्ड और सनफ्लावर का प्लांट में इस टाइप की अरेंजमेंट होगा फाइलोटैक्सी का। दूसरी इसका जो अरेंजमेंट होगा वो प्योर ऑल्टरनेट टाइप का है।
यानी कि सॉरी पी और ऑपोजिट टाइप का है, ऑपोजिट, इसमें कोई साइक्लिक वगैरह नहीं होगा, ऑपोजिट, इसमें साइक्लिक वगैरह बिल्कुल नहीं होता, ये ऑपोजिट जैसे होते हैं। ऑपोजिट का मतलब है ये लीफ है, ये एग्जैक्टली इसकी जो दोनों लीफ है ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट पे रहेंगे, और इस लीफ की ऑपोजिट में एकदम इस टाइप की रहेंगे इसमें, ठीक। नाउ इस कंडीशन को कहते हैं ऑपोजिट लीफ। इस ऑपोजिट लीफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कैलोट्रॉपिस है और मालोती फ्लावर कहते हैं इसको, क्विस क्वालिस इंडिका कहते हैं। तो हमने एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं कैलोट्रॉपिस, एक कैलोट्रॉपिस है, दूसरा इसको कहते हैं क्विस क्वालिस, क्विस क्वालिस इंडिका। क्विस क्वालिस इंडिका कहते हैं इसको, बहुत सारे जगह में हिंदी रीजन में, यूपी में, बंगाल में इसको मालती फ्लावर का नाम से जाना जाता है। आप गूगल में सर्च करोगे आपकी इस टाइप की फ्लावर दिखेंगे, उसकी जो लीप्स है उस पर ध्यान देना, इस टाइप की लीप्स होंगे। तीसरा जो इसका फाइलोटैक्सी होते हैं लीफ का, एक तो अल्टरनेट हो गए, दूसरी ऑपोजिट हो गए, तीसरी जो इसका अरेंजमेंट है वो है आपकी वर्ल्ड। वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब ये है एक रेंज पे है, माने एक पॉइंट है, ये लीफ का एक पॉइंट है, ऐसा गोल कुछ नहीं है, लीफ का एक पॉइंट है, इसी जगह से आपकी इस टाइप का एक फ्लावर होगा, एक टाइप का इसका, इस टाइप की फ्लावर इसका रेज होगा, फ्लावर मीन्स सॉरी लीफ, इस टाइप का लीफ होगा, और ये बिल्कुल दिखने में इस तरह से होगा। इसकी जो ये साइड वाला फ्लावर होता है, टॉप वाला पेज, आई मीन सॉरी क्या नाम है, लीव्स है, सो ये जो लीव्स है ये थोड़ा सा साइज में बड़े होते हैं और ये सब साइज में छोटे होते हैं, तो ये पामेटिव टाइप का ही दिखता है, ये वर्ल्ड कहते हैं इसको। इसकी एग्जांपल में आपको मिलेगा नेरियम, नेरियम, नेरियम की अगर आप पत्ते को देखोगे इस टाइप की क्या नाम है, फाइलोटैक्सी है। दूसरी नेक्स्ट है इसको कहते हैं अल्स्टोनिया, अल्स्टोनिया है इसका, इस टाइप की अरेंजमेंट है। तो दीज आर द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इट इज देयर। द नेक्स्ट इज दैट व्हाट वी विल अंडरस्टैंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। लीफ मॉडिफिकेशन में क्या क्या मॉडिफाइड होते हैं? नंबर वन, लीफ इज मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, जैसे स्टेम मॉडिफाइड था उसी तरह लीफ मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, ठीक है, लीफ इज मॉडिफाइड टू टेंड्रिल। अब पोर्शन ऑफ द लीफ कैन बी मॉडिफाइड टेंड्रिल और दी होल लीफ कैन बी मॉडिफाइड टू टेंड्रिल। तो इसमें एक होगा होल लीफ, पूरे पत्ते ही जो है होल लीफ मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, या तो पार्ट ऑफ द लीफ मॉडिफाइड टू टेंड्रिल। Modified to tendril. So, the whole leaf can modify to tendril
और भी पार्ट ऑफ द लीफ कैन बी मॉडिफाइड टू टेंड्रिल। तो इनका एग्जाम्पल है जैसे होल लीफ मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, ये है लथाइरस, लथाइरस टी का प्लांट जो है, लथाइरस, लथाइरस का बहुत सारे स्पीसीज है, जेनस है लथाइरस टी प्लांट का। और पार्ट ऑफ द लीफ मतलब लीफलेट, इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे लथाइरस जैसे एपाखा, ए पी एच ए सी ए, लथाइरस एपाखा, लथाइरस एपाखा है होल लीफ मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, इसके साथ साथ है पार्ट ऑफ द लीफ मॉडिफाइड टू टेंड्रिल इज द लथाइरस ओडोरेटस, लथाइरस ओडोरेटस। इसके साथ बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे और भी बहुत सारे प्लांट पे लीफ इज कन्वर्टेड टू टेंड्रिल, जैसे स्माइलैक्स, स्माइलैक्स जैसे क्लेमाटीज, जैसे नेपेंथिस, नेपेंथिस में और भी कुछ होते हैं, नेपेंथिस, नेपेंथिस में लीफ इज कन्वर्टेड टू सम अदर स्ट्रक्चर्स इज आल्सो देयर, वो हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसमें टेंड्रिल भी होते हैं। नंबर टू, नंबर टू में आएगा लीफ इज कन्वर्टेड टू द स्पाइन, लीफ इज कन्वर्टेड टू द स्पाइन, और इसका एग्जांपल होगा ओपुंसिया। एग्जाम्पल क्या है? ओपुंसिया कैक्टस, इसमें लीफ इज कन्वर्टेड टू दी स्पाइन, ठीक है। देन अब हम लोग उसमें पढ़ा था क्या है, फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड, स्टेम मॉडिफिकेशन में फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड। अब इस कंडीशन में मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एज फाइलोड। Now leaf is modified to phyllode. So leaf is modified to some other structure, other structure, and that other structure is called as phyllode. अब ये phyllode क्या है? Now here the petiole, okay? पेटीओल इज कन्वर्टेड टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पेटीओल इज कन्वर्टेड टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड लैमिना converted to leaflet, lamina is converted to leaflet। किस तरह से देखते हैं, say for example अगर ये एक छोटा सा branch हम दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि you can understand इस type की structure होगा। Now this type of structure में आप इसको समझ सकते हो, ये आपका पेटियोल है और इसका जो लैमिना होगा, नाउ द लैमिना इज सेपरेटेड और इनमें छोटे छोटे इस टाइप के पत्ते आएंगे, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड, इनमें ये छोटे छोटे इस टाइप के पत्ते आएंगे। सो दिस, ये दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज फाइलोड। फाइलोक्लेड में क्या था, स्टेम इज कन्वर्टेड टू फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर। क्लैडोड में क्या था, क्लैडोड में अनब्रांच्ड, लिमिटेड ग्रोथ वाला स्टेम और ब्रांच इज कन्वर्टेड टू लीफ लाइक और फ्लैट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज क्लैडोड। इस कंडीशन में लीफ की पेटियोल इज कन्वर्टेड टू फ्लैट स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और लैमिना इज कन्वर्टेड टू जी आर लीफलेट, और विच इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ भी आप कह सकते हो,
इट कैन कन्वर्टेड कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ. तो लैमिना इज ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू कंपाउंड लीफ, राइट. तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फाइलोड. नंबर फोर पे हम बात करेंगे लीफ कन्वर्टेड टू स्केल्स, लीफ कन्वर्टेड टू स्केल्स. इसमें दो हम जानते हैं, एक है इम्ब्रिकेट, एक है इम्ब्रिकेट स्केल, दूसरा है ट्यूनिकेट. ये दोनों को इम्ब्रिकेट फॉर द गार्लिक, इम्ब्रिकेट गार्लिक स्केल्स और ट्यूनिकेट के लिए ऑनियन स्केल्स. ऑनियन के ऊपर का जो छिलका है, जो स्केल है, तो लीफ इज कन्वर्टेड टू द स्केल, वो है ट्यूनिकेट. और गार्लिक में सफेद सफेद ऊपर में एक लेयर आप दिखते हो, ये भी लीफ ही है, लेकिन लीफ इज कन्वर्टेड टू स्केल्स, उसको क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट. द नेक्स्ट इज कम टू द पीचर. पीचर, पीचर कैसा है, पीचर ये है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट पे होता है. नाउ लीफ इज कन्वर्टेड टू पीचर, ट्रैप, इंसेक्ट पकड़ने का ट्रैप है ना, ये इस टाइप का होगा, इस टाइप का. नाउ दिस, यहां पर ये एक ढक्कन होगा इस टाइप की. सो द लीफ इज कन्वर्टेड टू पीचर, दिस इज इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट से इस तरह से होगा. इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, नेपेंथिस. तो नेपेंथिस हमने पहली बार कहा, नेपेंथिस हमने पहले कहा उसमें लीफलेट भी होते हैं और ये पीचर प्लांट भी होते हैं. सो इट इज द नेपेंथिस टाइप का, ठीक है. सो उसके बाद है लीफ इज कन्वर्टेड टू ब्लैडर, लीफ इज कन्वर्टेड टू ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर. ब्लैडर क्यों, ब्लैडर इसलिए इन एक्वाटिक प्लांट में यह होता है, इन एक्वाटिक प्लांट में होता है. एक्वाटिक प्लांट में क्यों होते हैं, टू हेल्प पीप, हेल्प द प्लांट फ्लोट ऑन वाटर, फ्लोट, टू हेल्प द प्लांट फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है. इसकी एग्जाम्पल क्या होगा, इसकी एग्जाम्पल है बहुत ही आसान है, आट्री कुलारिया. क्या एग्जाम्पल है, आट्री कुलारिया. आट्री कुलारिया इज एन एक्वाटिक प्लांट, इस पे लीफ इज कन्वर्टेड टू ब्लैडर. तो ये है आपकी आज की पढ़ाई तक, डू यू अंडरस्टैंड, ये आपका आज का पढ़ाई का बात हो गया. आगे बताओ, कोई और दिक्कत है तो बताओ, हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है. इसके साथ साथ कुछ टर्म्स को भी हम लोग जानेंगे, जो टर्म्स आपको जनरल कहीं भी बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन ये नीट के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टर्म्स. तो चलिए कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग देखते हैं. सम टर्म्स हम लोग हेडिंग करेंगे, सम टर्म्स रिलेटेड टू द लीफ. पहला टर्म्स इसको कहते हैं टाइक्सिस. टाइक्सिस का स्पेलिंग पी से शुरू होगा, पी टी वाई एक्स आई एस, टाइक्सिस. टाइक्सिस का मतलब क्या है, मैनर ऑफ द फोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल लीफ, बट कब. तो सबसे पहले ये लिखेंगे, मैनर ऑफ फोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल लीफ कब, इन बड कंडीशन,
इन बड, जब ये लीफ बड कंडीशन में है तब इसकी जो फोल्डिंग का मैनर है तो उसको कहते हैं टाइक्सिस। जैसे एक आपके टाइक्सिस के बारे में बताओ, सार्सिनेट टाइक्सिस, एक टाइप का टाइक्सिस आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं। सार्सिनेट, सार्सिनेट टाइक्सिस के बारे में बताओ, ये किस टाइप की है? ये फार्न में दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं? फार्न में दिखते हैं, फार्न लीफ में। कैसे? सपोज ये प्लांट है तो इसका लीफ जो है वो इस टाइप की, इस टाइप का फोल्डिंग होते हैं। जब ये बडिंग कंडीशन में होता है तो ये इस टाइप का फोल्डिंग इसमें दिखते हैं, इस टाइप की फोल्डिंग दिखते हैं। अगर आपके आजू बाजू में फर्न है तो आप गौर से उसको देख सकते हो, इस टाइप की इसमें फोल्डिंग होगा। इसको कहते हैं सार्सिनेट टाइक्सिस। इस तरह का अगर आप केले गाछ को देखोगे, बनाना लीफ को, तो उसमें दूसरी टाइप की सार्सिनेट टाइक्सिस होता है। लीफ जो होता है वो एक रॉड की तरह होता है, घुमावदार, एक रॉड की तरह घुमावदार कॉम्पैक्ट टाइक्सिस में रहते हैं। ठीक है? तो मैनर ऑफ फोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल लीफ इन बड कंडीशन, इसको कहते हैं टाइक्सिस। दूसरे टर्म्स पे आते हैं, दूसरे टर्म्स पे आएंगे, इसको कहते हैं कैड्यूकस। इस टर्म्स का नाम है कैड्यूकस। नाउ व्हाट इज दिस कैड्यूकस? द लीव फॉलिंग ऑफ, बहुत जल्दी जल्दी माने फॉर्मेशन के बाद गिर जाते हैं, राइट? जो लीव्स है बहुत जल्दी फॉर्मेशन के बाद गिर जाते हैं एंड कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स भी होते हैं। सो द लीव फॉलिंग ऑफ और कन्वर्टेड टू स्पाइन सून आफ्टर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे, जैसे ऑपुंशिया में होता है, ठीक है? ऑपुंशिया के एग्जाम्पल। सो इसको, इस टर्म्स का नाम है कैड्यूकस कहते हैं इसको, ठीक है? उसके बाद लीफ के लिए बहुत ही कॉमन दो टर्म्स है, हम लोग छोटे क्लास में बचपन में भी पढ़ के आए हैं। वो उस टर्म्स का नाम क्या है? उसको कहते हैं डेसीड्यूअस। इसको क्या कहते हैं? डेसीड्यूअस। आपने जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा डेसीड्यूअस फॉरेस्ट करके। डेसीड्यूअस का मतलब है एनुअल। डेसीड्यूअस का मतलब है एनुअल, लेकिन व्हाट एनुअल? फॉलिंग ऑफ द लीफ अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, इसका मतलब है फॉलिंग ऑफ लीव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। फॉलिंग ऑफ द लीव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन और फॉलिंग ऑफ द लीव एट द एंड ऑफ, और एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, और एट द एंड ऑफ सीजन भी कह सकते हो, ठीक है? कोई एक पर्टिकुलर सीजन के बाद इसका जो लीफ है वो गिर जाते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मलबेरी है, मलबेरी टाइप ऑफ एनी प्लांट्स के एग्जाम्पल लेता हूं, तो इस कंडीशन को कहते हैं डेसीड्यूअस। डेसीड्यूअस की जस्ट ऑपोजिट में आएंगे, इसको कहते हैं एवरग्रीन।
एवरग्रीन भी कहते हैं और इसको परसिस्टेंट भी कहते हैं। सो इस कंडीशन में लीफ नेवर फॉल्स ऑफ। और थोड़ा सा डिफाइन करके कि बताएं कि लीव रिमेन इन आई मीन इन द प्लांट, लीव रिमेन ओवर द प्लांट मोर देन ईयर, मोर देन आ ईयर। लीफ है तो ये एजेड होगा ही, सेनेसेंस होगा ही, और ये इसका फॉलिंग ऑफ तो होगा ही, लेकिन लीफ जो है रिमेन्स इन द प्लांट मोर देन आ ईयर, यानी कि पूरा एक दो तीन चार सीजन की ज्यादा को ही ये झेल लेते हैं और कंटिन्यूअस भी रहते हैं ये इसमें। सबसे अच्छा एग्जाम्पल दो दो एक दो तीन एग्जाम्पल के बारे में कह सकता हूँ। एक तो आपकी बनियान ट्री के बारे में बताओ, बनियान ट्री इज एवरग्रीन। पीपल ट्री के बारे में बताओ, ये भी एवरग्रीन है। उसके बाद पाइन ट्रीज के बारे में बताओ, पाइन भी एवरग्रीन है। यूकैलिप्टस, ये भी एवरग्रीन है। मैंगो इसमें बताओ, मैंगो भी एवरग्रीन है, पत्ते इसका गिरते नहीं है। सो दिस इज दीज आर द ट्रीज विच आर एवरग्रीन ट्रीज हम लोग बताते हैं। ओके ओके दाओ इसी टाइप का यही सारे एग्जाम्पल हैं। अच्छा मैंने एक टर्म बताया आपको, लैथाइरस एफाका, लैथाइरस ओडोरेटस, ये सब के बारे में एक बार बता देता हूँ। जबकि बाद में आपको पढ़ना ही है, लैथाइरस एफाका। लैथाइरस एफाका बेसिकली कहते हैं इसको वाइल्ड पी, वाइल्ड पी। ये खाते नहीं है कोई, ये वाइल्ड पी है। दूसरा है लैथाइरस ओडोरेटस, ये भी पी टाइप का है, लैथाइरस ओडोरेटस। ओडोरेटस इसलिए है इस टाइप का, ये भी एक टाइप का पी है, सेंटेड पी कहते हैं इसको, सेंटेड। बहुत अच्छा खुशबू निकलते हैं इसका, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉइजनस एंड टॉक्सिक है। पॉइजनस, पॉइजनस एंड टॉक्सिक है। 50% पीपल जो दूसरी जगह इनविटेशन में खा के मर जाते हैं। बहुत सारे न्यूज आप खबर में पढ़ते हो, मंदिर में प्रसाद खा के मर गए, उधर का शादी घर में बारात में जाके खाना खा के बीमार हो गए, मर गए। तो उनका मैक्सिमम कंडीशन क्या होता है, तो पीस के जगह में ये लैथाइरस ओडोरेटस वाला पी ऐड कर देते हैं। ये सस्ता भी पड़ता है, सेंटेड भी है, और पी जैसा दिखने में भी है, ये बाजार में मिलता भी है। ये इससे एक टाइप की बहुत ही खतरनाक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, जो कि पैरालाइज कर देते हैं विद इन अ हाफ एन आवर और टू, वेन हाफ एन आवर और वन आवर टू, ये पैरालाइज कर देते हैं। और पैरालाइजिंग ज्यादा हो गया तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। सो ये है लैथाइरस ओडोरेटस। ये हम लोग बाद में जेनेटिक्स में पढ़ेंगे आके। सो खैर, तो ये दोनों हो गया, एक है सेंटेड पी, एक हो गया आपकी वाइल्ड पी। और जो पी हम लोग खाते हैं इसको कहते हैं पीसम सैटिवम, इसको कहते हैं पीसम सैटिवम। जो ग्रीन पीज हम खाते हैं इसको गार्डन पीज भी बोलते हैं, इसको कहते हैं गार्डन पी। जो ग्रीन पी हम खाते हैं नॉर्मली वो गार्डन पी है। वो ये आपका आते हैं किसमें, ये आपका आते हैं पीसम सैटिवम पे आते हैं। डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आया? सो ये कुछ टर्म्स है, आप इस टर्म्स को थोड़ा सा पढ़ो।
ठीक है। बस लीफ के बारे में इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग सीधा सीधा फ्लावर पे आ जाएंगे कल का।